हाँ जी, टुडे द चैप्टर एलपीपी बेटा विल बी रिवाइज्ड। आप लोगों ने किया हुआ है कि हमारे पास एलपीपी मींस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा बेटा, इफ यू सी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एलपीपी को यूज करते हैं। बट इसमें बेटा जो एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, वो कैसे होता है, लेट्स सी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ए एक्स प्लस बी, जिसको हमने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है। यू हैव टू मिनिमाइज इट और मैक्सिमाइज इट, हमेशा वो ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ जेड नहीं होता, थ्री वेरिएबल्स में नहीं होता, सब्जेक्टिव टू कॉन्स्ट्रेंट्स। और कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं हमारे पास जो है, दो ये कॉन्स्ट्रेंट्स तो होंगी होंगी बेटा, वी कॉल देम नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स, ओके बेटा। अब मेरे पास हो गए जो नेक्स्ट होती हैं, वो लाइंस कहीं पे भी जा सकती हैं, और वो कैसी फॉर्म में होती हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज की फॉर्म। जो बाकी मेरे पास कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, वो किस फॉर्म में होती हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज की फॉर्म, ठीक है। तो मेरे पास जो है, अब जब हम किसी भी एलपीपी प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं बेटा, तो मेरे पास जो है जहां पर सोल्यूशन आता है, ये 1-1 नंबर के एमसीक्यू टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इस पे जो सोल्यूशन आता है वो दो टाइप्स का सोल्यूशन आता है मेरे पास। ये भी हो सकता है, बाहर वाला भी सोल्यूशन हो सकता है। जब ओपन वाला होता है तो बेटा ऐसे में हम इसको कहते हैं अनबाउंडेड सोल्यूशन, अनबाउंडेड रीजन कहते हैं, अगर शेडेड करने पे बाहर वाला, जिसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती। यहां बाउंड्री फिक्स है, दिस इज बाउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स, तो इसे हम कहते हैं बाउंडेड रीजन। एंड सोल्यूशन जहां पर लाई करता है वो बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो बेटा, मेरे पास ना उस रीजन को हम कहते हैं सोल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन, जहां हमारा इनइक्वालिटीज की सोल्यूशन लाई करती है, ओके बेटा। अच्छा, जो वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पर जिनकी वैल्यूज हमने निकालनी है, जो एक्स एंड वाई, उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, वी कॉल्ड देम डिसीजन वेरिएबल्स। क्योंकि बेटा इस चैप्टर के, मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पलर बुक में फिल इन द ब्लैंक्स यस नो है, वो अच्छी तरह कर लो वहां से, क्योंकि उसमें सारा और थ्योरी पार्ट बुक में से भी, और हर चीज आपको थ्योरी पार्ट की वो एमसीक्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है एलपीपी, ठीक है। नाउ मेरे पास हो गए यहां पर बेटा, अगर कोई भी पॉइंट मेरे पास हो गए वो फिजिबल रीजन के बाहर लाई करता है, मतलब शेडेड रीजन के बाहर लाई करता है, मान लिए शेडेड रीजन ये है, तो एनी पॉइंट दैट लाइज आउटसाइड द फिजिबल रीजन, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं इनफिजिबल सोल्यूशन। क्या कहते हैं, इनफिजिबल सोल्यूशन, वी कॉल्ड इट, ठीक है बेटा। उसके बाद एनी पॉइंट दैट लाइज इन द फिजिबल रीजन मेरे पास एंड दैट गिव्स ऑप्टिमल, दैट गिव ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब होता है मैक्सिमम या मिनिमम, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, ओके जी, मैक्सिमम या मिनिमम जो है वैल्यू देता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो बेटा उस पॉइंट को हम कहते हैं
ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है, प्लीज नोट डाउन दिस। इफ टू कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिकल रीजन, इफ टू कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिकल रीजन आर बोथ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, आर बोथ ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप का मतलब दोनों पे मैक्सिमम है या दोनों पे मिनिमम, ठीक है जी। दैट इज बोथ प्रोड्यूसेस द सेम मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू, बोथ प्रोड्यूस द सेम मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू, देन एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, देन एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज ऑल्सो एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ सेम टाइप, इज ऑल्सो द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ सेम टाइप। अच्छा, अब एक नेक्स्ट बेटा हमारे पास फंडामेंटल एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम है जो एलपीपी में हम यूज करते हैं। वो क्या यूज करते हैं कि अगर मेरे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन एलपीपी का एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे ही एग्जिस्ट करता है। बट कॉर्नर पॉइंट किसके? कन्वेक्स पॉलीनोमियल के जो है, अब कन्वेक्स पॉलीगन के, सॉरी कन्वेक्स पॉलीगन पता क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स पॉलीगन। हमें एट्थ में कराते हैं बच्चों को, ध्यान से सुनिए। अगर मेरे पास कोई ऐसी है फिगर, सपोज एक फिगर मेरे पास ऐसी है, ठीक है, ये कन्वेक्स पॉलीगन है। इसमें अगर मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूं, सारे के सारे क्या आ रहे हैं? अंदर आ रहे हैं। इसमें अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूं, अगर ये फिगर प्रॉपरली बनाऊं, यहां ड्रॉ करूंगी ना, तो इटलाइज मेरे पास हो गए आउटसाइड द फिगर। आ रहा है, बाहर आ रहा है ना? हाँ, ये जो डायगोनल है ये बाहर आ रहा है ना फिगर के, तो ये मेरे पास कनकेव है, दिस इज कनकेव, ये कन्वेक्स। ओके, और दूसरी बात, कनकेव में कम से कम एक इंटीरियर एंगल, कनकेव में एक इंटीरियर एंगल जो है ना वो 90 से बड़ा होता, 180 से बड़ा आता ही आता है। कैसे? अगर मैं ये फिगर थी, ये देखे, यानी ऑब्ट्यूज होता ही होता है, ये देखे, ये एंगल 180 से बड़ा है तो ये कनकेव है। यहां कोई भी एंगल अगर आप देखो 180 से बड़ा नहीं होगा, कनकेव में एटलीस्ट वन एंगल जो है अगर 180 से बड़ी है तो वो हमेशा कनकेव होता है, अदरवाइज कन्वेक्स। मैंने डायगोनल से भी बता दिया, एंगल से भी बता, इंटीरियर एंगल की बात कर रही हूं मैं, किसी एक्सटीरियर एंगल की बात नहीं कर। ओके, तो यहां पर फंडामेंटल थ्योरम मेरे पास एलपीपी में ये कहती है कि अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन है किसी एलपीपी का, वो अगर एग्जिस्ट करता है तो हमेशा बेटा एक्सट्रीम पॉइंट्स, अब एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब कॉर्नर पॉइंट्स पे मेरे पास एग्जिस्ट करे, ऑलवेज ऑन द कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है जी। और मेरे पास जो है कॉर्नर पॉइंट किसके मेरे पास हो गए, वो कौन सा बनेगा? कन्वेक्स पॉलीगन बनेगा, और बेटा वो फिजिबल
सॉल्यूशन का ही पार्ट होगा। मैं आपको जैसे एक फिगर बता देती हूँ, जैसे देखिए मेरे पास, अगर ये मैंने एलपीपी, अगर आपको याद हो, ये शेडेड हुआ, अगर अब ये शेडेड हुआ तो 100% बेटा देखिए, ये कॉर्नर पॉइंट है और ये कन्वेक्स भी है। अगर आप इसके डायगोनल ड्रॉ करोगे ना तो सब अंदर आएंगे। तो ऐसे मेरे पास हुए सॉल्यूशन या एक्सट्रीम मतलब मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, इन पॉइंट्स में से ही एग्जिस्ट करेगी कहीं ना कहीं। अगर वो अनबाउंडेड भी है, ये लो ये शेडेड रीजन है, कॉर्नर पॉइंट्स तो यही आए ना, ये तीन, तो मिनिमम वैल्यू इन तीनों में से ही किसी एक पॉइंट पे हो। ओके क्लियर, बात समझ आ गई सबको। चलिए बेटा नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा मेरे पास हो गए, अब कई बार आपसे पूछा जाता है कॉर्नर पॉइंट मेथड कौन से, जो ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या है कि हम एलपीपी को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, और वो किस पर बेस्ड है, कौन सी थ्योरम पर बेस्ड है, जो है प्रिंसिपल एक्सट्रीम फंडामेंटल, जो है एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम, कुछ भी लिख दीजिए, दोनों ट्रू है। ओके बेटा क्लियर। अब मैं एक बार आपको प्रोसीजर बता देती कि एलपीपी सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या, क्यों, क्योंकि प्रोसीजर पता होगा तो हम ग्राफ वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे एलपीपी, क्योंकि हमारे एग्जाम्पलर बुक में ग्राफिकल क्वेश्चंस एलपी पर दिए हुए हैं, तो वो आ भी सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक जेड कोई फंक्शन होता है, मान लीजिए ये 2x + 3y सब्जेक्टेड टू कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। अब इनकी कॉन्स्ट्रेंट मेरे पास क्या बनेगी, देखिए दैट इज कुछ भी अगर मैंने बना ली, सपोज लेस देन इक्वल्स टू 9, मैं अपनी तरफ से जस्ट आई एम राइटिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कॉन्स्ट्रेंट, ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट जो कि नेसेसरी होती है, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये पूरी कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके बेटा, अब सबसे पहला स्टेप, हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को नहीं देखते, हम कॉन्स्ट्रेंट्स को ड्रॉ करते हैं। मैंने ड्रॉ किया और कॉमन सॉल्यूशन निकाल लिया, मान लीजिए मेरा ये है। ड्रॉ करना आपको प्लस वन में लीनियर इनइक्वालिटी सिखाया हो, करने के बाद आपने ये कॉर्नर पॉइंट्स कैलकुलेट कर ले, ठीक है बेटा। अब कॉर्नर पॉइंट्स कैलकुलेट करने के बाद हम टेबल बनाते थे, अगर आपको याद हो। अब जब मैंने टेबल बनाया, मैं क्या करती थी, पहले पॉइंट जेड की वैल्यू, वो वैल्यू देखती थी किस पॉइंट पे, मान लीजिए ये कॉर्नर पॉइंट निकला 2, 3, ये निकला 3, 0, ये निकला मेरे पास हो गया 0, 4। मैंने ये पॉइंट और ये 0, 0 है, मैंने सारे पॉइंट्स यहां लिख लिए, लीजिए ठीक है। अब इस पे z की वैल्यूज देख रही हूँ, 0, 0 पे 0, 0, 4 पे 12, 4 और 9 13 और ये 6। अगर मैंने मिनिमम देखना है तो इनमें से मिनिमम वैल्यू मेरी जो है वो 0 पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मैक्सिमम देखना है तो मेरे पास जो है 13 पे एग्जिस्ट करती है, क्लियर। अब बेटा कई बार सेम सेम वैल्यूज आ जाती हैं, जब सेम सेम वैल्यूज आ जाती हैं तो ऐसे को हम कहते हैं मल्टीपल सॉल्यूशन, वो भी आपको आना चाहिए। अच्छा, अगर मेरे पास कई बार इनइक्वालिटीज का ही कोई कॉमन रीजन ही ना आए, कैसे, अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे ऐसे, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है,
बेटा जब कॉमन फिजिबल सोल्यूशन ही नहीं है तो सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, हम ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हैं। नो ऑप्टिमम सोल्यूशन, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, क्योंकि वो हमारी प्रोडक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैंने प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन लिया तो दैट्स व्हाई, क्योंकि ये आपकी बुक में सॉल्व एग्जांपल्स हैं जिसमें नो सोल्यूशन आ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस डू बेटा सम एमसीक्यू क्वेश्चंस। टर्मिनोलॉजी एलपीपी की अगर आपको नहीं आती है तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सुनोगे ध्यान से, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, आई एम रीडिंग इट, आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू, बट फर्स्टली लिसन इट केयरफुल। ओके, द फर्स्ट इज इन एन एलपीपी द लीनियर फंक्शन विच हैज टू मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड अ लीनियर डैश फंक्शन। हाँ जी, प्लीज आंसर द क्वेश्चंस, मैंने थ्योरी सारी बताई आपको, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। हाँ जी, मेरे पास देखिए, मैं फिर बता रही हूं, इन अ एलपीपी द लीनियर फंक्शन विच हैज टू मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड अ लीनियर डैश फंक्शंस। ऑप्शंस हैं ऑप्टिमल, बाउंडेड, ऑब्जेक्टिव। जल्दी बताइए। हाँ जी लक्षित बोलिए, लक्षित बोलिए बेटा। एनी अदर स्टूडेंट, आई एम नॉट एबल टू हेयर यू बेटा। बाकी बच्चे, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ठीक है लक्षित, ऑब्जेक्टिव इज द आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू बेटा। अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ फिजिबल रीजन इज अ पॉइंट इन द रीजन इज रीजन विच इज द डैश ऑफ द टू बाउंड्री लाइन्स। अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ ए फिजिबल रीजन इज अ पॉइंट इन द रीजन विच इज द डैश ऑफ टू बाउंड्री लाइन्स। कॉर्नर पॉइंट कौन से होते हैं? नॉर्मली जब मैंने ऐसे ड्रॉ करती हूँ फिगर, है ना, ये कॉर्नर पॉइंट्स है। यहां पर क्या है, कुछ कॉमन चीज है? ऑप्शंस बता रही हूं, उसने पूछा विच इज द डैश ऑफ द बाउंड्री लाइंस। बाउंड्री लाइंस का वो क्या है, ठीक है, यूनियन, डिफरेंस, इंटरसेक्शन या अबव द लाइन। बिल्कुल समय अंक ने ठीक बताया, इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, जहां दो लाइंस, चाहे वो एक्स एक्सिस और लाइन, चाहे वो दो लाइंस या वाई एक्सिस और दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वो सारे मतलब एटलीस्ट दो पॉइंट्स का इंटरसेक्शन तो है ना बेटा, तो हम वहां पर क्या वर्ड लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ओके बेटा, क्लियर। नाउ कम टू थर्ड बेटा, कॉमन रीजन डिटरमिन्ड बाय ऑल द लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉमन रीजन डिटरमिन्ड बाय ऑल द लीनियर कॉन्स्ट्रेंट ऑफ अ एलपीपी इज कॉल्ड डैश रीजन, इज कॉल्ड डैश रीजन। अभिरूप, अभिरूप, ओके फतेह, फतेह अनम्यूट योर सेल्फ, फतेह। नेक्स्ट हरनूर सिंह, हरनूर सिंह, हाँ जी बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका। फिजिबल रीजन, बिल्कुल जी फिजिबल रीजन, बिल्कुल करेक्ट बोला, मेरे पास हो गए, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा ध्यान से सुनिए, अ फिजिबल रीजन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज
a feasible region of a system of linear inequalities is said to be dash if it can be enclosed with inner circle. एक फिजिबल रीजन को हम क्या कहते हैं अगर वो एक सर्कल के बीच में इनक्लोज्ड होता है. ऑप्शंस है अनबाउंडेड, इनफिजिबल, बाउंडेड, नेक्स्ट इज नन. बिल्कुल जी, समय अंक ने क्लियर कट कहा बाउंडेड सॉल्यूशन, क्योंकि जब एक वो फिगर में इनक्लोज हो गया तो ऑब्वियस है वो बाउंड हो गया, तो हम उसे क्या कहेंगे बाउंडेड सॉल्यूशन. गुड समय अंक. नाउ नेक्स्ट, इफ द फिजिबल रीजन फॉर अ एलपीपी इज डैश, अब ध्यान से सुनना, इफ द फिजिबल रीजन ऑफ LPP is dash, then the optimum value of the objective function z is equals to ax plus by. Optimum value मतलब maximum और minimum value of जो है z may or may not exist. कौन सी condition होती है या कौन सा region होता है, कैसा ग्राफ बना होता है अगर फिजिबल रीजन की वैल्यू एग्जिस्ट हो भी सकती है एग्जिस्ट नहीं भी हो सकती. मैक अनम्यूट योरसेल्फ. मैक बेटा नहीं भी आता प्लीज यस नो. यस मैम. हाँ जी मैंने बेटा अनम्यूट रहो अपने आप को करो, हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, अगर नहीं भी आता कोई बात नहीं मुझे बताइए. मैं कौन सा ऐसा केस होता है कि जब हमारे पास जो है बेटा सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है नहीं भी करता. मैं ऑप्शंस बोलती हूँ अनबाउंडेड, बाउंडेड, फिजिबल रीजन, नन ऑफ दीज. थर्ड ऑप्शन. हाँ जी बिल्कुल अनबाउंडेड, क्योंकि अनबाउंडेड के केस में ही आगे हम लाइन ड्रॉ करके देखते थे ना, और इसमें कई बार यस आता था कई बार नो आता था कई बार इनफाइनाइट मैनी केसेस आते थे, तीन ऑप्शंस हमारे पास होते. बिल्कुल करेक्ट बताया बेटा. चलिए नेक्स्ट मेरे पास है इन अ एलपीपी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इज ऑलवेज. मेरे पास जो है उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है एक एलपीपी में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इज ऑलवेज. क्या क्या हो सकता है, इनफाइनाइट, फाइनाइट, जीरो और नन. जो मैक्सिमम वैल्यू है हाँ जी इनफाइनाइट होनी चाहिए. आप मैं कहूं कि मैंने एक प्लांट लगाना मुझे इनफाइनाइट प्रॉफिट हुआ, मैंने प्रोडक्शन करनी है इनफाइनाइट, मैंने केक्स बनाने हैं, जब मुझे प्रोडक्शन ही नहीं पता बेटा तो वो तो काम खराब नहीं हो गया. क्वेश्चन ये था कि अगर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना मेरे पास तो वो कैसी होनी चाहिए, एग्जिस्ट कर रही है तो वो कैसी होनी चाहिए मेरे पास, जीरो, इनफाइनाइट, फाइनाइट, 100% फाइनाइट ही होनी चाहिए, तभी मैं कह सकती हूँ ना कि ये मेरे पास एग्जिस्ट. अगर इनफाइनाइट होती तो अनबाउंडेड की मैक्सिमम वैल्यू ना निकाल लेते हैं, निकाल पाते ना, हम निकाल ही नहीं पाते. इज इट क्लियर. चलिए बेटा नेक्स्ट, इसका आंसर है फाइनाइट. ओके चलिए नेक्स्ट, इफ द फिजिबल रीजन फॉर ए एलपीपी इज डैश. ऑब्वियस है फिजिबल रीजन दो ही तरह के होते हैं, बाउंडेड या अनबाउंडेड, यानी आंसर इन दोनों में से कुछ होगा. अब आगे वो क्या कह रहा है, देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई हैज बोथ मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू. हाँ जी अब बताएगी प्रभनूर. प्रभनूर बेटा
कौन से केस में हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम? बाउंडेड। बिल्कुल बाउंडेड में, क्योंकि अनबाउंडेड में हम मिनिमम निकालते हैं, मैक्सिमम नहीं निकाल पाते। तो बिल्कुल करेक्ट है कि हमारे पास बाउंडेड सॉल्यूशन में ही वी आर एबल टू कैलकुलेट वैल्यूज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, इफ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड ऑफ ए एलपीपी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इनडेफिनेटली, लिसन इट क्वेश्चन बेटा ध्यान से। अगर मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी जेड हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई हो गया, अगर उसकी वैल्यू को मैं इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं इनडेफिनेटली, तो बेटा सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? हाँ जी, ऑप्शंस है बाउंडेड सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। हाँ जी, पता है किसी को? ये मुझे लगता है नहीं पता होगा, क्योंकि इनफाइनाइटली या इनडेफिनेटली इंक्रीज करना मतलब क्या? ये देखिए, अनबाउंडेड होगा तो मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, बाउंडेड में तो तुम क्या है, एक फिक्स कर देते हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हमेशा क्या कहते हैं? अनबाउंडेड सॉल्यूशन, क्योंकि वहां एक बाउंड्री है, डेफिनेट वैल्यूज होती हैं, वहां हम ज्यादा नहीं जाते। ठीक है, तो मेरे पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन में ही हम इनडेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ओके बेटा, क्लियर? ये क्वेश्चन डिफरेंट था बाकियों से। चलिए लेस नेक्स्ट बेटा, एलपीपी जो है ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व्ड बाय ग्राफिकल, ये तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट रसिका, इट्स योर टर्न। एलपीपी ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व्ड ग्राफ बाय ग्राफिकल मेथड। हाँ जी रसिका। मैम टू वेरिएबल्स। बिल्कुल सही, टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ देयर इज नो फिजिबल रीजन मेरे पास इन एलपीपी, अगर मेरे पास कोई फिजिबल रीजन नहीं है, देन वी कैन कॉल द प्रॉब्लम हैज डैश सॉल्यूशन। अभी मैंने ये चीज बताई थी कि जब मेरे पास फिजिबल रीजन ही नहीं है, कोई कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं है, तो बेटा ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? तेगवीर, तेगवीर बेटा, तेगवीर अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए फतेह पे चलते हैं वापस। चलिए फतेह बताइए बेटा, अगर फिजिबल रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? जिसको भी पता बता दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था सॉल्व एग्जांपल में मेरे पास ऐसे क्वेश्चन, एक ये कोई कॉमन ही नहीं है, कैसा सॉल्यूशन है? हाँ जी लक्षित, क्या बोला? नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। इसका आंसर नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। मेरे पास जो ऑप्शंस ही हैं यहाँ पर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फाइनाइट सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन मेरे पास टिक होगा। ओके चलिए, इन ग्राफिकल मेथड एरिया बाउंडेड बाय इक्वेशंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, एरिया बाउंडेड बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट इज कॉल्ड डैश रीजन। चलो समयंक क्या कहेंगे? ऑप्शंस है मेरे पास अनबाउंडेड रीजन, रीजन फिजिबल रीजन या नो सॉल्यूशन। हाँ जी, उसे क्या कहते हैं जो भी कॉन्स्टेंट से एरिया कवर होता है? बेटा मेरे पास जो है उस, मैंने बाउंडेड वर्ड ही नहीं बोला यहाँ पर, बाउंडेड होता तो आप टिक कर देते, यहाँ पर फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन ही होता है ना वो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि बाउंडेड भी हो सकता है अनबाउंडेड भी, दोनों हो सकते हैं ना।
है ना। तो यहाँ पर रीजन पूछा गया था, तो ऑब्वियस है रीजन क्या होगा, फिजिबल रीजन। ठीक है बेटा, क्लियर। टुमारो मंडे, सॉरी, वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम चैप्टर, अभी रहते हैं इस चैप्टर। ओके, टिल देन